वंस अगेन वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। चलो तो लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 12 में क्या देखा था हमने? हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, इस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, हम आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू बढ़ाएंगे, कुछ अच्छे और क्वेश्चंस देखेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो डेफिनेटली कीजिएगा। चलो बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे एनसीईआरटी का। वो क्वेश्चन हमें ऐसा कहता है बच्चों, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज इन अ लेबोरेटरी वर्क इज अ 68% नाइट्रिक एसिड बाई इट्स वेट। सो फॉर HNO3 हमें ऐसा बोला है कि ये नाइट्रिक एसिड हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। दैट परसेंटेज वेट बाय वेट फॉर नाइट्रिक एसिड इज गिवन नन अदर देन 68%। सो डेफिनेटली नाइट्रिक एसिड प्लस H2O कॉम्बिनेशन होगा, 32% वहां पे वाटर भी होगा। देन व्हाट शुड बी द मोलारिटी ऑफ सच अ सैंपल? सो दे आर आस्किंग फॉर द मोलारिटी इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर एमएल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हर बार एग्जामिनेशन में ऐसा वाला आता है कि डेंसिटी दिया होता है, मोलारिटी फाइंड करना होता है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल मीनिंग निकालेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट का, क्योंकि डायरेक्टली हमें कुछ दिया नहीं है। परसेंटेज वेट बाय वेट मीन्स क्या होता है? हम बोल सकते हैं इन 100 ग्राम सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट सॉल्यूट इज व्हाट? सॉल्यूट इज नन अदर देन HNO3 इज 68 ग्राम। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड द मोलारिटी, सो लेट अस पुट द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट इज इन ग्राम यूनिट एंड वॉल्यूम इज इन ml यूनिट। ठीक है बच्चों, वेट तो हमें नाइट्रिक एसिड का मिल गया यहां से 68 ग्राम। मोलिकुलर मास भी हम उसका इजिली निकाल पाएंगे। वॉट अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे दिया नहीं है, बट मुझे क्या दिए यहां पे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकूंगा, वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट करवा देता हूं। क्या करेंगे हम लोग? वी हैव अ फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। सो वी कैन से वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी। सो इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम विल पुट वेट बाय डेंसिटी। ठीक है बच्चों, चलो तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 68 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ HNO3। हाइड्रोजन का 1 बनता है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14 बनता है, ऑक्सीजन का 16 बनता है, बट 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 16, तो ये अपना बन जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 16 है, 3 सा 48, तो ये अपना बन गया 62 एंड 63 बन गया। ठीक है, तो 63 बन जाएगा ये 63। इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम आई पुट वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ डेंसिटी इट इज इन डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट विल गो इन न्यूमरेटर। सो 68 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 63 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक आ गए बच्चों हम लोग। इसको रिमूव कर देता हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है वो पता चल गया ना, वो तो हमें अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन को। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 100। यहां से हम लोग ले लेते हैं, जब भी परसेंटेज वेट बाय वेट दिया होता है तो हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, आगे भी हमने देखा ये वाला सीन। डेंसिटी तो दी गई है हमें, इट शुड बी इन सीजीएस यूनिट ओनली, ग्राम पर एमएल, तो यूनिट राइट है, केजी पर लीटर ऐसे कुछ दिया होता तो कन्वर्ट करना पड़ता हमें। सो 68 इंटू 1000
इंटू दिस इज 1.504 डिवाइड बाय 63 इंटू वेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज 100। सो इसको हमें कैलकुलेशन करना है सिंपली, ठीक है, ये 1000 नहीं है बट ये क्या है, ये 100 बन जाएगा बच्चों। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 68 इंटू 1000 इंटू 1.504 डिवाइड बाय 63 डिवाइड बाय 100, सो फाइनल आंसर इज 16.23 मोलर। दिस इज फाइनल आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बोल दूं कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देख लिया था, फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन था, बट बहुत अच्छा है, डेंसिटी दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपली मोलरिटी का फॉर्मूला रख के। पता चल रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल वाला था ये, एक बार नोट डाउन करते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अगर आगे बात करेंगे हम लोग तो एक्सरसाइज में 2.5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वंस अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। सो यहां पे ये क्वेश्चन हमें कहता है ग्लूकोज प्लस वाटर कॉम्बिनेशन लेबल्ड एज अ 10% वेट बाय वेट, ठीक है, ग्लूकोज का कोई यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल है, उसमें लेबल लगा था 10% वेट बाय वेट, देन फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, एंड देन अगेन आगे बोला है कि इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन फाइंड आउट द मोलारिटी। तो डेंसिटी दिया है, मोलारिटी फाइंड करना है, वो तो क्वेश्चन हमने अभी देखा, बट यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द मोलालिटी एंड देन मोल फ्रिक्शन एंड देन आफ्टर फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वी नीड टू फाइंड द मोलालिटी। सो लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज 10% वेट बाय वेट। वी नो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 10, मीन्स इन 100 ग्राम सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज इज इक्वल टू नन अदर देन व्हाट 10 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट इज 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। वी कैन से दिस थिंग बिकॉज इफ द वेट ऑफ सॉल्यूट इज 10 देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज सॉल्वेंट। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड द मोलालिटी। So, molality is equal to weight of solute into 1000 divided by molecular weight of solute into weight of solvent. Okay, this is the formula of molarity. Weight is always in gram unit, that we need to remember whether it is a solute or solvent. ओके बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ वेट ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट, इट इज 10 ग्राम, वेट ऑफ वाटर इज 90 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज इफ विल फाइंड दैट विल बी 180। सो लेट अस पुट द वैल्यू, दिस इज 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय 180 इंटू दिस इज नन अदर देन 90। सो वी जस्ट नीड टू डू द कैलकुलेशन। ओके, so let us do that, 10 into 1000 divided by 180 divided by 90, so 0.617 molal, or we can say mole per kg. This is the first answer, this is the first answer, 0.617 mole per kg. Now if we want to find the mole fraction of both the component, then we need to find the mole of the component. So let us say mole of C6H12O6 is equal to weight of C6H12O6 divided by molecular weight of C6H12O6. Weight of glucose is 10, molecular weight is 180. So mole of glucose is 10 divided by 180, or we can say 1 divided by 18. So it is none other than 0.04
5.5 and mole of H2O is equal to weight of H2O divided by molecular weight of H2O. Weight of H2O is 19 divided by molecular weight is 18. So mole of H2O is 5. So यहाँ पे हमें मोल मिल गए ग्लूकोज और H2O के. नाउ विल फाइंड द मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो क्या किया हमने, सिंपली यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग निकाल लिया, उसके बाद हमने मोलालिटी फाइंड कर दी, देन मोल भी फाइंड कर लिया, मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, देन आफ्टर विल गो फॉर द मोलालिटी फ्रॉम द डेंसिटी. इजी हो गया बच्चों, सो जस्ट नोट दिस डाउन, देन विल गो फॉर द नोट इट डाउन. Now, after finding a mole, let us find the mole fraction. So, mole fraction of glucose C6H12O6 is none other than mole of glucose divided by mole of glucose plus mole of H2O. So, what is mole of glucose? I'm going to find the 0.055 divided by 0.055 plus 5, so it is basically 0.055 divided by 5.055. So what we can say, we can say mole fraction of glucose C6H12O6 is none other than 0.055 divided by 5.055. So 0.055 divided by 5.055 is none other than 0.01. is another than 0.01. ठीक है, चलो अभी क्या करना है और आगे हमें, we need to find the mole fraction of H2 as well. So mole fraction of H2O is equal to mole of H2O divided by mole of glucose plus mole of H2O. Mole of glucose is mole of H2O is 5 and mole of glucose is 0.055 plus mole of H2O is 5, so it is basically 5 divided by 5.055. so if we'll find, then we'll get answer 0.99. so ye ho gaya bachcho mole fraction of H2O. ab aise bhi find kar sakte the, total mole fraction of both the compound is 1. so if we know the mole fraction of glucose, then we can say mole of H2 is equal to 1 minus mole fraction of glucose. So ऐसे भी हमें answer मिल सकता था. ठीक है, चलो इतना note down कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं. एक बार कर ली note down. चलो बच्चों आगे क्या बोलेंगे, हमने mole fraction find कर लिया. ठीक है, glucose का भी find किया और हमने water का भी find किया. Now if density of a solution is 1.2 gram per ml, then find out the molarity of the solution. तो ये तो हमने पहले भी देखा 2.4 में भी. क्या करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला रखेंगे. मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इंस्टेड ऑफ सॉल्यूट आई कैन से ग्लूकोज बिकॉज वी नो द सॉल्यूट इज ग्लूकोज C6H12O6. मोलेक्युलर वेट ऑफ ग्लूकोज into volume of a solution, that is in ml unit, and weight of glucose in gram unit, that we need to remember. Now once again we do not have a volume, so we'll convert the volume into the density. Okay, so weight of glucose, that is 10 into 1000. Molecular weight of glucose is always 180 beta. And what about volume? Instead of volume, what we'll put? Weight of a solution divided by density of a solution. So density of a solution will go in a numerator. Okay, so what we'll get, we'll get 10 into 1000 into density of a solution divided by 180 into weight of a solution. So that is none other than 0, 0 cut we can say. So 1000 into density is given 1.2, weight of solution is always 100, and this is 18. Why? Because 1 point to humne pehle hi kaat liya. Theek hai, so now let us do the calculation. So after doing calculation, what is the answer? 1000 into
1.2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 18, सो 0.6666 और वी कैन से 0.667 और 666 एज इट इज, दिस मच इज आंसर, दिस मच मोलर. ओके बच्चों, तो वेरी इजी, दिस इज द मोस्ट एंटी क्वेश्चन. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल व्हाट मोलालिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको करना रहेगा बच्चों, दैट इज नन अदर देन इन टेक्स्ट 2.5. ग्लूकोज की जगह पे वहां पे के आई की बात की उन लोगों ने. सो मोलिकुलर मास ऑफ के आई, आई एम सेइंग यू इट इज 166 बिकॉज के हैविंग 39 ग्राम पर मोल एटॉमिक मास एंड आयोडीन हैविंग 127 ग्राम पर मोल. सो सेम इंडेक्स 2.5 बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड एंड मोलालिटी. बट इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज दैट इज अ के आई, सो यू नीड टू पुट मोलिकुलर वेट ऑफ के आई एंड दैट इज 166. इज इट इज, तो खुद से करोगे आप. कौन सा वाला बच्चों? इंडेक्स 2.5. ठीक है, चलो तो इतना नोट डाउन कर दे, फिर हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे. तो इतना एक बार नोट डाउन करते बच्चों. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. एक्सरसाइज नंबर 2.6, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन फॉर नेट एग्जामिनेशन, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, गुडसेट एग्जामिनेशन और एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सबके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आईएमपी. 4 मार्क्स में हो सकता है, 3 मार्क्स में हो सकता है. क्या पूछा है हमें, हमें क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है दैट हाउ मेनी एमएल ऑफ 0.1 मोलर एचसीएल इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी एमएल ऑफ 0.1 मोलर एचसीएल इज रिक्वायर्ड. सो मोलारिटी ऑफ एचसीएल इज गिवन 0.1 मोलर. हाउ मेनी एमएल मींस वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एचसीएल इन एमएल व्हिच इज रिएक्ट विथ वन ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3. तो हमें ऐसे HCl का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी मोलारिटी दी है और ये HCl रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम मिक्सचर Na2CO3 का और NaHCO3 का, विच इज ऑल्सो इक्वी मोलर, उन्होंने ऐसा भी बोला है. ठीक है, तो ये वर्ड को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये दोनों का अमाउंट इक्वी मोलर है. तो मैं क्वेश्चन को यहां से उठाता हूँ, उल्टा उठा रहा हूं मैं. यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन 1 ग्राम है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट अस सपोज वेट ऑफ Na2CO3 इज x ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ NaHCO3 इज नन अदर देन 1 माइनस x ग्राम. व्हाई इट इज, बिकॉज टोटल वेट ऑफ बोथ इज 1 ग्राम. If one component is x gram, then another is 1 minus x. Okay. Now we know that Na2CO3 and NaHCO3 have an equimolar amount. So what I can say as per the given data, I can compare mole of both Na2CO3 and NaHCO3. Mole of Na2CO3 is equal to mole of NaHCO3. What is the formula of mole? बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या होता है मोल का फॉर्मूला? वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट. सो आई कैन से वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ NaHCO3 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ NaHCO3. Now we will find the weight of Na2CO3 then by taking Na23, 2 into 23 plus carbon 12 plus oxygen 3 into 16. This is 46 plus 12 plus 48. Okay. So 46 plus or 48 plus 12 60 and 14 106. So 106 aayega iska aur iska aise hum find karenge 84 aayega. So let us see. Therefore, we can say weight of Na2CO3 is x gram and molecular weight 106 is equal to weight of NaHCO3 is 1 minus x gram divided by 84. Cross multiplication, bachcho. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 84x is equal to 106 minus 1066. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? ठीक है प्यारे बच्चों? 106 को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 106 plus 84. So it is 190x is equal to 106. So we can say x is equal to 106 by 190.
106 by 190, what is the answer? So 106 by 190, so answer is 0.557 gram. That is what x is, what x is equal to weight of Na2CO3. okay, so ye hame kya mil gaya, 0.557 gram. What else we can find? We can find weight of NaHCO3 is equal to 1 minus x is equal to 1 minus 0.557. So I can say it is 0.443 gram. So first of all, what we are doing, we are finding the weight of both Na2CO3 and NaHCO3. So ulta question le rahe yahan se, theek hai, itna ho gaya. Uske baad kya karte aage dekhte, but kya kya abhi tak humne, हमने एक का वेट सपोज कर लिया x ग्राम, तो दूसरे का हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम बिकॉज मिक्सचर इज टोटल 1 ग्राम. देन इक्विमोलर अमाउंट, तो दोनों के मोल को कंपेयर करते हैं, दोनों का वेट मिलता है. ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस मच एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द. चलो स्टूडेंट्स, आगे क्या करते हैं, हम लोग रिएक्शन लिख दे रहे हैं. ठीक है, अगर HCl इन दोनों के मिक्सचर के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब वो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा. HCl Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा, HCl NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा. तो रिएक्शन लिख देता हूं मैं, दैट व्हेन HCl रिएक्ट विद Na2CO3, तो बच्चों रिएक्शन हमने आगे ऑलरेडी देख लिया है स्टैंडर्ड 11 में, बट वंस अगेन रिपीट कर दे, सोडियम कार्बोनेट का कॉन्सेप्ट था, तब हमने देखा टैंक से रिएक्शन देखते आ रहे हैं हम लोग. ठीक है, एक तो Na के साथ Cl चला जाएगा, NaCl मिलेगा, कार्बोनेट है तो डिकम्पोजिशन से CO2 देगा और अदर बाय प्रोडक्ट मिलेगी H2O. सिमिलर वे HCl जब NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो भी बच्चों ऐसा ही होगा, NaCl सॉल्ट मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट भी CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा और H2O मिलेगा. इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें. Na2 है तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, तो Na तो यहाँ अपना 2 हो गया, वॉट अबाउट Cl? Cl इज 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, सब बैलेंस में आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो. ठीक है, ये वाला तो ऑलरेडी बैलेंस में रिएक्शन. अब मैं क्या करूँगा, मोल फाइंड कर लेता हूँ. किसके मोल? NaHCO3 और Na2CO3 के. हमने वेट तो फाइंड किया, तो मैं बोल सकता हूँ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, वेट था उसका हमारे पास 0.557 और उसका मोलिकुलर वेट हमारे पास है 106. ठीक है बच्चों, तो मोल्स क्या मिलेंगे, तो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 0.557 डिवाइड बाय 106, सो दिस इज नन अदर देन 0.00525 और आई कैन से 5.25 इंटू 10 to the power. राइट हैंड साइड पे हम कितने पॉइंट 1, 2, 3 मूव कर रहे, तो राइट हैंड साइड पे कर रहे तो माइनस हो जाएगा 10 to the power -3 मोल. ये अगर Na2CO3 का मिला तो NaHCO3 का फाइंड करोगे क्या बच्चों? आप नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बोला था इक्विमोलर है. ठीक है ना, मतलब यही मोल्स किसके हो जाएंगे? NaHCO3 के भी हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर हमने Na2CO3 के मोल फाइंड किए तो यही वेट नहीं बट बच्चों मोल NaHCO3 का भी हो जाएगा. अब ये चीज हमें याद रखनी है. ठीक है, अब रिएक्शन पे से अगर हम देखें तो यहां पे अगर Na2CO3 एक मोल है तो HCl उसका डबल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो मैं बोल सकता हूं Na2CO3 अगर मैंने 5.25 इंटू 10 to the power -3 मोल यूज किया तो ये डबल, मतलब ये 2 × 5.25 इंटू 10 to the power -3 मोल यूज करना पड़ेगा. ऐसे ही NaHCO3 भी हम लोग यूज करते हैं, अगर 5.25 इंटू 10 to the power -3 तो इसके सामने इसका भी एक मोल है तो ये भी हम करेंगे 5.25 इंटू 10 to the power -3. टोटल कितने मोल HCl यूज कर रहे हैं? अगर NaCl और NaHCO3 1-1 मोल है तो HCl 2+1 3 मोल यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे 1-1 मोल तो नहीं ले रहे हम लोग, तो 5.25 इंटू 10 to the power -3 ले रहे हैं, तो उसके सामने HCl कितना हो जाएगा? 2+1 3 × 5.25 × 10 to the power -3 हो जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मोलारिटी ऑफ HCl
इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है बच्चों ऐसे बोल सकता हूँ। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ HCl, इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ एक्सचेंज कर देता हूँ, इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय मोलारिटी ऑफ HCl। मोल ऑफ HCl क्या है हमारे पास 3 टाइम इंटू 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय मोलारिटी ऑफ HCl, यहां से कर लेते हैं ठीक है 3 इंटू 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय मोलारिटी ऑफ HCl इज गिवन 0.1। तो ये अगर करते हैं बच्चों तो आंसर क्या आता है, ये जो आंसर आएगा लीटर में आएगा क्योंकि मोलारिटी मोल पर लीटर यूनिट होता है, तो 3 इंटू 5.25 डिवाइड बाय 0.1 157.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर। 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर मीन्स मैं ml बोल सकता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली कितना ml हो जाएगा 158 ml। दिस इज फाइनल आंसर बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, पता चल गया ठीक है। हमने रिएक्शन लिख लिया तो रिएक्शन से पता चल गया कि ये दोनों अगर एक एक मोल होंगे तो उसके 3 मोल्स उसके सामने HCl यूज करना पड़ेगा, बट ये दो तो 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल है, तो सामने HCl कितना होगा 3 इंटू 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। फिर तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे, कहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे, मोलारिटी पे से बनाएंगे, तो आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे वो समझने लायक भी था इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये वाला। चलो बच्चों आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7, दैट इज इट सेज दैट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% वेट बाय वेट एंड 400 ग्राम ऑफ 40% वेट बाय वेट, देन व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मतलब क्या बोला जा रहा है बच्चों, एक ऐसा सॉल्यूशन हम बना रहे हैं जो दो सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन है, पहले सॉल्यूशन में 300 ग्राम सॉल्यूशन 25% वेट बाय वेट से है और दूसरा सॉल्यूशन 400 ग्राम 40% वेट बाय वेट से। अब इन दोनों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, तो हम क्या कर दे ठीक है केस वन बोल देते, इसको मैं पहला केस बोल रहा हूं, इसको केस नंबर टू बोल देता हूं। सो वहां पे परसेंटेज वेट बाय वेट उसको भी हम वन बोल देते ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट वन फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन वन इंटू 100। हमें पता है ये परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला, अब वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता नहीं इस वाले केस में, बट परसेंटेज वेट बाय वेट इज 25 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता हमें इस वाले कॉन्सेप्ट में ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है पहले केस में 300 ग्राम इंटू 100, तो यहाँ से तो 0-0 कट हो जाएगा, 3 सामने चला जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 इज इक्वल टू 75 बोल सकते हैं, तो 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75 ग्राम ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ये हमें मिल रहा है फर्स्ट वाले केस से। दूसरे वाले केस से भी हम वही ढूंढेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पे मैं बोल देता हूं फॉर केस नंबर 2। सो लल्लू सा क्वेश्चन है बच्चों, बट लल्लू सा क्वेश्चन तो हलवा सा क्वेश्चन तो है, बट कॉम्पिटिटिव में आएगा तो थोड़ा तो हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन में, अदरवाइज फॉर्मूला तो बहुत ही पोपट जैसे हम बोल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट 2 के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 2 इनटू 100 ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट सेकंड के लिए 40 है इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 2 दैट वी डोंट नो इनटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 2 इज नन अदर देन 400। सो 0-0 तो कट हो जाएगा यहां से, देन वेट ऑफ सॉल्यूट 2 क्या हो जाएगा सामने चला जाएगा ये 4 यहाँ पे ठीक है ना इज इक्वल टू 40 इंटू 4। सो वेट ऑफ सॉल्यूट 2 इज इक्वल टू 160 ग्राम। सो नाउ वी हैव बोथ द वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट 1
weight of a solute 2 and weight of both the solution, then we can easily find the percentage weight by weight of the resultant solution. Addition कर देंगे दोनों solutions का, ठीक है? इतना note down कर दें हम लोग, फिर आगे बात करते हैं कैसे find करेंगे resulting solution का percentage weight by weight. But it is very easy example. ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं resulting solution के लिए percentage weight by weight. So we can say percentage weight by weight for the resulting solution is another than weight of solute 1 plus weight of solute 2 divided by weight of solution 1 plus weight of solution 2 into 100. Very easy. Solute का addition कर देते, denominator में solution का addition कर देते, ठीक है? Solute क्या हमारे पास first था 75 plus 160 divided by solution is 300 plus 400 into 100 percentage, so it is none other than 235 divided by 700 into 100, so final answer is I guess 33.57 percentage. This is final answer. This is also the question which can ask in the JE or NEET examination. Put सकती है वाला question. अच्छा सा है, simple सा आप लोग कर सकते हो. ठीक है, NEET में भी पूछा जा सकता है. तो और कोई competitive में. Very nice question. चलो बच्चों. Note down करते हैं फिर next वाला question देखते. चलो बच्चों आगे बात करते हैं exercise में 2.8. Once again हलवा सा question. An antifreeze solution which is, we know that antifreeze is combination of ethylene glycol plus water. We have already seen in percentage volume by volume. That is given where the weight of ethylene glycol is 2.6 gram and water is none other than 200 gram. Then find out the molality. अभी वाला question थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि वैसे तो solute हमारा यहाँ पे definitely ethylene glycol ही होता है और solvent water ही होता है. पर बच्चों आप लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि सर सॉल्वेंट का वेट तो ज्यादा होना चाहिए, सॉल्यूट का कम होना चाहिए. बट ये वाले क्वेश्चन में इथिलीन ग्लाइकोल का प्रोपोर्शन ज्यादा दिए, पर तो भी मैं उसको सॉल्यूट ही बोलूंगा बच्चों, ठीक है? याद रखेंगे हम लोग क्वेश्चन ऐसा दिया है तो उस हिसाब से गिनेंगे. तो मोलालिटी फाइंड करना है तो वेरी इजी, लेट अस फाइंड द मोलालिटी. लेट अस पुट द फॉर्मूला. मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल इनटू 1000 divide by molecular weight of ethylene glycol into weight of solvent that is water. So weight of ethylene glycol is given 2.6 into 1000 divide by molecular weight of ethylene glycol. अगर हम find करेंगे तो ये 62 आएगा बच्चों, ठीक है? ये आएगा 62 into weight of H2O is 200. So we just need to do the calculation. 2.6 into 1000 divided by 62, so final answer is 17.95 mole per kg. This is molality. Very easy question. Again funda kya gaya, density is given and we need to find the molality. Teesri baar ye question aaya hai, theek hai? Teesri baar aaya ye wala question. डेंसिटी पे से मोलारिटी, मैंने बोला वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. तो मोलारिटी दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलेक्युलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज 2.6 इनटू 1000 डिवाइड बाय molecular weight is 62. Instead of volume we are putting weight of a solution divided by density of a solution. Now density of solution will go in numerator. What is weight of solution? So weight of solution is combination of these two weight, because one is a solute and another one is solvent. At this point आगे जो भी question थे उसमें weight of solution 100 ग्राम थे, क्योंकि percentage weight by weight दिया था. यहाँ पे ऐसा है नहीं. तो weight of solution is combination of these two, 22.6 plus 200 तो 422.6 हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्या बोलेंगे, 222.6 into 1000
इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 62 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन, सो दैट इज 222.6 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नन अदर देन 1.072 डिवाइड बाय 62 एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 422.6। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, लेट अस सी। सो 222.6 इंटू 1000 इंटू 1.072 डिवाइड बाय 62 डिवाइड बाय 422.6, सो फाइनल आंसर इज 9.1। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर इज 9.1 मोलर, दिस इज मोलारिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, सो वेरी इजी क्वेश्चन, वंस अगेन वी नीड टू फाइंड द मोलारिटी एंड मोलारिटी, बट यहाँ पे ये था कि वेट ऑफ सॉल्यूशन था वो कॉम्बिनेशन था इन दोनों का, ठीक है, और सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा वेटेज में दिया, बट हमें डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे करते आ रहे, बिकॉज हमें पता है इथिलीन ग्लाइकोल ही एंड डिफरेंस में सॉल्यूट होते हैं। ठीक है चलो बच्चों, तो एक बार नोट डाउन कर लेते फिर आगे बात करते, करते एक बार नोट डाउन। चलो बच्चों आगे वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 2.9, तो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, लेट अस सी। ऐसा बोला है दैट अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज फाउंड टू कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। ड्रिंकिंग वाटर जो था उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड हो गया था, मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर कॉम्बिनेशन। नाउ क्लोरोफॉर्म इज वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, अगर वो बॉडी में चला जाता है तो ह्यूमन कैन बी डेड। क्लोरोफॉर्म क्या आपको पता ना, एनेस्थेटिक प्रोसेस में हम यूज करते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, रुमाल पे जोनी लेवल क्लोरोफॉर्म डालता है, दे देना दम में और फिर रख देता है मुंह पे तो बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बेसिकली एनेस्थेटिक प्रोसेस में भी यूज होता है, मतलब सुन्न करने के लिए हम बोल सकते हैं यूज होता है। हम लोग इंजेक्शन भी लेते हैं तो वहां पे क्लोरोफॉर्म का यूज करते ताकि हमें महसूस ना हो, सॉरी इंजेक्शन नहीं, जब टांके लेते हैं हम लोग तब उसी टाइम पे, ठीक है। सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस बाय टेकिंग द स्टिचेस। सो द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm, क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज वाटर में 15 ppm बहुत ही कम था, तो भी वो डेंजरस है, इतना कम है तो भी। देन एक्सप्रेस दिस कंसेंट्रेशन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड फाइंड आउट द मोलालिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दिया है वो हम ले लेते, ppm इज गिवन, सो लेट अस से ppm इज 15। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ppm बच्चों, ppm इज नन अदर देन वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू सॉरी डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6 इज इक्वल टू 15 वी कैन से। ठीक है, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, यहां पे इंटू ले रहा हूं मैं, इंटू 10^6। ओके सो दिस इज इक्वल टू 15। नाउ क्या करूंगा मैं, इसके दो पार्ट्स कर देता हूँ 10^6 के, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट एज इट इज डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज इन ग्राम यूनिट इंटू 10^2 इंटू 10^4। सो आई एम डिवाइडिंग दिस 10^6 इन टू पार्ट्स, 10^2 एंड 10^4 इज इक्वल टू 15। सो दिस इज वॉट, दिस इज नन अदर दैन परसेंटेज वेट बाय वेट। So, percentage weight by weight is equal to 10^ will go in denominator 15/10^4, or we can say 15 × 10^-4 percentage. This is the first answer. ठीक है, 15 × 10^-4। अभी molality भी find करने बोला है हमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मीनिंग क्या होगा परसेंटेज वेट का, वेट बाय वेट का वो देख लेते। इफ आई एम सेइंग परसेंटेज वेट बाय वेट इज 15 × 10^-4, इसको यहां से हटा के यहां पे ले लेता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं मोलालिटी भी फाइंड करना है। ठीक है, नाउ इफ आई एम सेइंग परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 15 × 10^-4, इट मीन्स in 100 gram solution weight of solute
इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ग्राम, और आई कैन से 0.0015 ग्राम. ओके विल डिवाइड 15 बाय 10 टू द पावर 4, देन आंसर इज 0.0015. देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट, इज नन अदर देन 100 माइनस 0.0015, सो इट इज 99.9985 ग्राम. कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा. नाउ लेट अस पुट द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, इज वेरी इजी क्वेश्चन. मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्यूट इज 0.0015 इनटू 1000. Molecular weight, if we'll find for CHCl3, then it will be 119.5 into 99.9985. So final answer is, bachcho, 0.00125. Okay, 0.000125. No, 0.00125 only. So I can say, let me do it. Okay, ek baar dekh leta hu main kya hota hai. 0.0015 into 1000 divide by 119.5 divide by 99.9985, so that is 0.000125. So if we are moving this point toward right hand side, then 1.25 into 10 to the power minus 4 molar, this is final answer, student. So once again, very easy question. PPM दिया था हमें, PPM का फॉर्मूला रखेंगे, 10 टू द पावर 6 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला आ जाएगा. इन दैट वे वी आर गेटिंग परसेंटेज वेट बाय वेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट, सो वी विल गेट द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड आफ्टर दैट बाय पुटिंग द वैल्यू इन मोलालिटी फॉर्मूला वी विल गेट द आंसर. इजी हो गया बच्चों? चलो जस्ट नोट इट डाउन, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट नोट दिस डाउन. चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, एक्सरसाइज 2.26 है हमारे पास. नाउ इट सेज दैट इफ डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, सो हियर लेट अस सपोज वन लेक इज दैट, सो डेंसिटी ऑफ दिस लेक वाटर इज गिवन. सो बच्चों लेक वाटर को मैंने एक सॉल्यूशन ही मान लिया. क्यों? बिकॉज लेक वाटर है तो वहां पे अकेला वाटर तो होगा नहीं, प्योर वाटर डेफिनेटली उसमें इम्प्योरिटीज होगी, कुछ आयन्स होगी, कुछ सॉल्ट होगा. तो लेक वाटर सॉल्यूशन, तो लेक वाटर की जो डेंसिटी थी वो मैंने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर कर ली, 1.25 ग्राम. नाउ इट सेज दैट एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम Na+ आयन. देखा इसमें बोले दिया कि Na+ भी यहाँ पे मौजूद है, दैट इज 92 ग्राम. देन फाइंड आउट द मोलारिटी. वंस अगेन इजी क्वेश्चन, डेंसिटी इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड द मोलारिटी. वेरी इजी. So what we are going to do, we are going to put the formula, molarity is equal to weight of a solute, that is Na+, in gram unit into 1000 divided by molecular mass of Na+ into volume of a solution in ml unit. But we do not have a volume of solution, so we'll convert the volume into the density. Okay, jaisa aage humne bola tha, so weight of Na+ is 92 into 1000, molecular mass of Na+, that is similar to Na, and what is the molecular mass of Na? It is 23. Volume of solution is none other than weight of a solution divided by density of a solution. Density will go in numerator, so 92 into 1000 into density of a solution divided by 23 into weight of a solution. Okay bachcho, so now let us put the value. We can say 92 into 1000, density is 1.25, divide by 23, and weight of solution is what? Weight of solution is, it is not given. Now weight of solution is not given, so what we'll do, we'll consider weight of solution as 1000. अगर नहीं दिया तो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि 1000 ग्राम टोटल होगा सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने.
सो 92 डिवाइड बाय 23 इनटू 1.25, सो इट इज व्हाट 92 डिवाइड बाय 23 इनटू 1.25, सो इट इज अनदर देन 5 मोल पर लीटर। बट बच्चों ये वाला क्वेश्चन पुरानी जो बुक है पुरानी, ठीक है, यहाँ पे तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, बट मैं फिर से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। पुरानी बुक में मोला रीटी की जगह पे मोला लीटी बोला है, तो मोला लीटी अगर बोला है तभी ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से राइट होगा, क्योंकि मोला रीटी में तो यहाँ पे पंगा आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है। अभी अगर मोला लीटी फाइंड करनी होती मुझे तो मैं क्या करता, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाता, फॉर्मूला में लगाता मोला लीटी इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ए प्लस इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ एन ए प्लस इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट एन ए ग्राम। नाउ वेट ऑफ एन ए प्लस इज 92 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ एन ए प्लस इज 23 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट आई एम कंसिडरिंग एज अ 1000। ये वाला अगर बात करेंगे तो फिर से 1000 कैंसिल आ जाएगा और आंसर आएगा 4 मोल पर केजी। तो यहाँ पे भी वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें प्रेडिक्ट कर लेना है, 1000 वहां पे हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन प्रेडिक्ट कर लिया था, बट मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन सही बनेगा, यहाँ पे डेंसिटी का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है, डेंसिटी हमें कंफ्यूज करने के लिए दी थी, बट मोलालिटी वाला क्वेश्चन ही सही रहेगा। बट बच्चों ने मुझे दोनों फॉर्म में पूछा था, मोलालिटी और मोलालिटी, तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे भी आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन प्रेडिक्ट कर लेना, मोलालिटी हो तो, मोलालिटी हो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्रेडिक्ट कर लेना, बट मैं तो यही राइट बोलूंगा, मोलालिटी वाला ही हो सकता है वो, बट जस्ट नोट इट डाउन, जो भी हो वो, अगर ऐसे हो तो ठीक है और वैसे भी हो तो ठीक है, ठीक है, ऐसे वैसे जैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 2.27, इट्स नॉट 26 बट इट्स 27, फॉर क्यूपरस सल्फाइड CuS KSP इज गिवन 6 × 10⁻⁶। Now you must be aware about KSP, it is a solubility product, we have already seen in equilibrium, but अगर अभी नहीं भी पता हो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनेगा, then find out the molarity of the solution. अब जब KSP दिया और हमें molarity find करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें compound दिया है उसको हम aqueous solution में डाल देंगे, मतलब कि उसका aqueous solution बना देंगे, water में डाल देंगे, ठीक है। तो इफ वी आर एडिंग CuS इनटू वाटर देन विल ऑब्टेन 2 आयन, Cu प्लस 2 आयन प्लस S माइनस 2 आयन, एज वी ऑल नो दैट Cu इज मोस्ट स्टेबल इन प्लस 2 फॉर्म एज वेल एज सल्फर इन माइनस 2, सो ये वाला चीज हो जाएगा। नाउ अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन अ CuS एंड बोथ द आयन। Let us suppose the solubility of Cu plus 2 is capital S and solubility of S minus 2 is capital S. Then KSP having a formula, concentration of one product ion into concentration of another product ion. So KSP is none other than 6 × 10⁻⁶. Concentration of Cu plus 2 is S and S minus 2 is also S. So this is S square. S square is equal to 6 × 10⁻⁶. So S is equal to what? Is equal to root 6 × 10⁻⁶ का रूट हो जाएगा 10⁻⁸, तो 6 का रूट हो जाता है 2.44. So 2.44 × 10⁻⁸ molar. This is final answer and very easy question. If KSP is given, then we can easily find out the solubility or molarity. Solubility it is itself the molarity for this question. बहुत ही सिंपल सा था, एक मार्क में पिद्दू सा क्वेश्चन है, बट आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। और सॉल्युबिलिटी और केएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट में, तो उसमें भी ऐसा छोटा सा भी हो सकता है, सो हमें करना तो रहेगा, एक बार नोट डाउन कर लेते बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरसाइज में 2.28 नंबर क्या बोल रहा है, हमें बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं, एस्पिरिन, एसिटोनिट्राइल, बट डरना है नहीं, वो तो हम ऑर्गेनिक्स में देखेंगे ही, चाहे एस्पिरिन हो चाहे एसिटोनिट्राइल हो, हमने आगे भी देखा है 11th में भी 12th में भी देखेंगे, बट यहाँ पे तो क्या दिया है, यहाँ पे ऐसा दिया है दैट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनिट्राइल, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन एंड एसिटोनिट्राइल इज गिवन,
उसमें मास परसेंटेज मींस परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करना है. बैंड वेट ऑफ एस्पिरिन इज 6.5 ग्राम एंड वेट ऑफ एसिटोनिट्राइल इज 450 ग्राम. वेरी इजी. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, सो दैट इज एस्पिरिन, डिवाइड बाय वेट ऑफ बोथ द कंपाउंड एस्पिरिन प्लस वेट ऑफ एसिटोनिट्राइल इन 200. सो वेट ऑफ एस्पिरिन इज व्हाट इट इज 6.5 डिवाइड बाय 6.5 प्लस 450 इन 200. सो 6.5 डिवाइड बाय 456.5 इन 200. सो व्हाट इज फाइनल आंसर, लेट अस सी. 6.5 इन 200 डिवाइड बाय 456.5, सो 1.42 और 1.423% इज फाइनल आंसर. वेरी इजी. सो यहां पे जस्ट हमें फॉर्मूला रखना था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में दोनों आएगा, एस्पिरिन और एसिटोनिट्राइल. बहुत ही फिर दूसरा क्वेश्चन वंस अगेन बच्चों नोट डाउन कर लेते फिर आगे बढ़ते. सिंपल सा क्वेश्चन, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. चलो बच्चों आगे बढ़ते एक्सरसाइज 2.29 देखेंगे हम. सबसे पहले 2.30 देख लेते, छोटा सा क्वेश्चन है. ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन हमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड इज C6H5COOH, उसका अमाउंट मींस वेट फाइंड करना है. बेन इन फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml एंड 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल. मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बेंजोइक एसिड और मिथेनॉल का. सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 250 ml एंड मोलारिटी 0.15. मिथेनॉल का कोई काम नहीं पड़ेगा, ठीक है. वेरी इजी क्वेश्चन. मोलारिटी का फॉर्मूला रख देते. मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज बेंजोइक एसिड इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. Now molarity is what? It is 0.15 is equal to weight of benzoic acid हमें find करना है into 1000 divide by molecular mass of benzoic acid. If we are going to find then what is that? Carbon total 7 है हमारे पास, तो carbon का 84 हो जाएगा, 12 into 7. Hydrogen 6 है तो 90, और ये दो oxygen 32, 122 हो जाएगा बच्चों. And volume of solution is 250. सो ये सामने चला जाएगा न्यूमरेटर में, 1000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इज नन अदर देन 0.15 इनटू 122 इनटू 250 डिवाइड बाय 1000, ठीक है. देख लेते हम कैलकुलेशन करके एक बार क्या आता आंसर. 0.15 इनटू 122 डिवाइड बाय 4 कर देते डायरेक्टली, 4.575 ग्राम फाइनल आंसर. बहुत ही छोटा सा इजी क्वेश्चन. तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे बच्चों आपके लिए, खाली आपको फॉर्मूला रख के आंसर लाना है, ठीक है. इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 2.29 आज के लेक्चर में, उसके बाद हम लेक्चर ओवर करेंगे बच्चों. सो बने रहिएगा. चलो प्यारे बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेलोरफिन विच इज सिमिलर टू मोरफिन. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C19H21NO3 एंड इट इज सिमिलर टू मोर्फिन इज यूज्ड टू कंबैट विड्रॉल सिम्टम्स इन अ नार्कोटिक्स यूजर. तो बेसिकली नार्कोटिक्स यूजर में विड्रॉल सिम्टम्स में नेलोरफिन यूज होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू मोर्फिन. डोज ऑफ द नेलोरफिन इज जनरली 1.5 मिलीग्राम. सो दिस इज द जनरल डोज ऑफ नेलोरफिन 1.5 मिलीग्राम, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम. And molality of a solution 1.5 into 10 to the power minus 3 molar. Then find out the weight of solution is a bola hai. Bahut hi achha question. Once again, very important question. Badhiya wala. Theek hai, molality diye na, to main kya bolunga? Molality ka formula main rakh deta hu. Theek hai, bachcho. Chalo. Molality is equal to weight of solute that is nelorphin. ये तो solute बोल देते बार बार nelorphin का formula नहीं रखना, तो into 1000 divide by molecular mass of nelorphin
इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोलालिटी तो दे दी हमें, व्हाट इज मोलालिटी, मोलालिटी इज 1.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3। वेट ऑफ सॉल्यूट भी दे दिया है तो भी मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करूंगा ये वाली मोलालिटी के लिए। दिस इज जनरल डोज फॉर नार्कोटिक्स यूजर, ये चीज हमें याद रखनी है। ये जो डोज है वो तो जनरल डोज वो वाला है जो नार्कोटिक्स यूजर को देते हैं हम लोग, बट अभी मोलालिटी तो कुछ अलग दी है। तो यहाँ पे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे, ठीक है, इंटू 1000। सॉल्वेंट का वेट अगर नहीं दिया है तो 1000 ले लेंगे हम लोग, क्योंकि 1000 ग्राम में या तो एक केजी सॉल्वेंट में ही हम मोलालिटी फाइंड करते हैं, इसलिए वो 1000 ले सकते हैं हम लोग। और मॉलिक्यूलर वेट एंड एलोरफिन का फाइंड करने जाओगे तो 311 आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो वेट ऑफ सॉल्यूट इज नन अदर देन 1.5 इंटू 311 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सो इट इज 311 इंटू 1.5। सो लेट अस डू दैट, 311 इंटू 1.5, so it is 466.5 into 10 to the power minus 3 gram, or approximately 467, okay, into 10 to the power minus 3 gram we can say. या तो इसको अगर convert भी करना है तो 0.467 gram भी बोल सकते हैं हम लोग। ये हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर देता हूं, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वेट हमें कितना मिला, हमें मिला 0.467 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट हमने कितना लिया 1000। तो ये हमारा आंसर आ गया 1000.467 ग्राम। तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं। ये वाला जो वेट ऑफ सॉल्यूशन मिला वो हमें ये वाली मोलालिटी के लिए मिला, बट हमें तो जनरल डोज के लिए भी फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे इफ वेट ऑफ सॉल्यूट इज 0.467 ग्राम, एट दैट टाइम वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला हमें, 1000.467 ग्राम मिला। देयरफोर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, हमें तो कितना लेना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। एट दैट टाइम वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, 1000.467 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 0.467, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, 1000 इंटू 4.67 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 0.467, एक मिनट, 1000.467 है ये, तो इंटू 1.5 डिवाइड बाय 0.467, ठीक है। और 10 टू द पावर माइनस 3 तो और डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.21 ग्राम। ये फाइनल आंसर आ जाएगा 3.21 ग्राम। तो क्या किया बच्चों, यहां पे हमने हमने सबसे पहले मोलालिटी से वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड किया। वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के बाद वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड किया, बट ये वेट ऑफ सॉल्यूशन इतने सॉल्यूट के लिए, तो मैं बोलूंगा इतना सॉल्यूट होता वेट ऑफ सॉल्यूशन इतना, तो जनरल डोज के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो नोट डाउन कर लेते बच्चों इसको भी एक बार, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना रखेंगे, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन पता चल गए। हमने बेसिकली परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रिक्शन के सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर डाले। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट